हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और शुरुआत करते हैं व्लॉग की बेहतरीन मौसम के साथ। तो गाइस, देहरादून का मौसम हो रहा है बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी दिन से ही हो रहा है। और सुबह का समय है, सुबह का मतलब हमारी सुबह का समय है, बज रहे हैं अभी 12 और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। आज बन रही है कद्दू पूड़ी। कार्तिका के दिल से आवाज़ आई कि आज हमने कद्दू पूड़ी खानी है, तो कद्दू पूड़ी बन रही है आज। कार्तिका भी फ्रेश हो रही है अभी और मैं भी ऑलमोस्ट फ्रेश हो चुका हूँ। उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। कद्दू पूड़ी और हरी मिर्च, बस बेहतरीन, ला जाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और शाम का समय है और हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे, पता नहीं कहाँ। अब कार्तिका का मन हो गया टिक्की खाने का, तो टिक्की खा लेते हैं। बारिशों का मौसम है तो टिक्की अच्छी लगती है। बारिशों के मौसम में टिक्की, समोसे तो बहुत है, पकौड़े, टिक्की में बहुत टेस्टी टैंगी भी रखता है ना। तो बन टिक्की खाओगे तुम? देखते हैं मूड के ऊपर। तो वहाँ जाना है द्वारका स्टोर वाले टिक्की पे? द्वारका स्टोर तो बहुत दूर हो जाएगा। तो और कौन सा है टिक्की वाला? पास में तो कोई है ही नहीं टिक्की वाला। होगा नहीं, पास में तो कोई भी नहीं है। मौसम हो रहा है लाजवाब। मौसम पहाड़ों की तरफ देखो, बादल नीचे बिल्कुल। बादल ही बादल हो रहे हैं, पता नहीं कब जाएंगी बरसातें। अभी बहुत ज्यादा नदियां सारी उफान पे है। ये देखिए बादल, मस्त मौसम हो रहा होगा ऊपर की तरफ। अभी मैं यहाँ पे झरना दिखाता हूँ दोस्तों तुम्हारे को, अभी दिखा दो झरना। तो दोस्तों ये पुल है, ये हाइट पे है नदी और यहाँ से नीचे गिरता है पानी, में दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, ये हमारा गंगोत्री विहार वाटरफॉल, क्या आवाज आ रही है। लोग दूर दूर तक जाते हैं ऐसे झरने देखने, हमें यही दिख जाता है। तो दोस्तों, हम आए हैं मार्केट घूमने और घूमते घूमते हमें याद आया कि हमने कुछ सामान लेना था बच्चे से रिलेटेड, मतलब कॉट हो गया, पैम हो गया। तो यहाँ पे एक शॉप है आयुष, वो किसी ने बताई थी, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, घंटा घर के पास ही है। बट अभी हम ये नहीं कि लेने ही आए हैं, देखेंगे पहले कुछ, पहली शॉपिंग होगी फिर पहली शॉपिंग। तो वो है येलो बोर्ड है ना नरूला, यहाँ पे आए हम और ट्रैफिक देखिए। तो हम आए हैं यहाँ पे, देखिए हमने सोचा नहीं था अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करूँ। तो देखो वैसा का स्कूटर कितना क्यूट है, ये हटाना है, ये हटाओ ना, नहीं मैं भी बैठ सकती हूँ इसमें, कितना क्यूट है ये, अच्छी है। कैसा लग रहा है ऐसे चलते हुए? बहुत बढ़िया, तुम्हें नहीं चलाना है ना। एक ये है बेबी कैरियर, बेबी कैरी कॉट, तो हमने चीज़ें तो काफ़ी सारी देखी हैं, कॉट्स देखे हैं और प्रैम देखे हैं और बेबी कैरियर भी देखा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें ट्राई करना चाहिए और जगह पे भी, अभी एकदम से खरीदना नहीं चाहिए, तो अभी हम और जगह भी ट्राई करेंगे क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, तो ये टाइम हम शॉपिंग में निकाल सकते हैं आराम से। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये थोड़ी सी सोच समझ के होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटी मतलब रोबस्ट होनी चाहिए बेबी के लिए ना, इसलिए सेफ। ऐसा नहीं कि भाई चल रहे हैं फिर आवाज़ें, कॉट में नहीं आया मुझे पसंद। खैर वहाँ पे मुझे प्रैम भी इतनी अच्छी नहीं लगी, लाइट वेट वाली थी। तो अभी हम ट्राई करेंगे और जगह भी देखते हैं, आज तो फर्स्ट टाइम ही देखा हमने, पहली बार फर्स्ट टाइम आज अपने बच्चे के लिए कुछ चीज देखी है। वहाँ पे मुझे अपने लिए पसंद आई चीजें, हाँ अपने लिए पसंद आ गई तुम्हें, वहाँ चेतक चलाना है तुम्हें, क्यूट था ना वो वैस्पा। तो हम जा रहे हैं सीधा द्वारिका स्टोर, जहाँ की फेमस है बन टिक्की, और कार्तिका खाएगी टिक्की और मैं खाऊंगा बन के बीच में टिक्की। मुझे तो वो भी खाने थे चाउमीन के, कुछ खा रही थी यार कहीं। तो चाउमीन तो यहाँ की भी फेमस है। कहाँ की? द्वारका स्टोर की। अरे हाँ हाँ, उत्तम स्वीट्स की चाउमीन नहीं खाई हुई कभी तुमने? मार्शल से आते हुए खाई थी। तो फिर उत्तर है, उत्तम है, उत्तर है, लेकिन उत्तर के बगल में है हॉट बाइट्स। हाँ उसकी खाए चाउमीन, चलो फिर उसकी चाउमीन खाते हैं। कॉलेज के दिन याद करते हैं, वहाँ पे पता है मैं, तुम्हारा कॉलेज कहाँ से आ गया? सॉरी, स्कूल के दिन याद करते हैं। मैं पता है वहाँ पे वेट करता था उत्तर स्वीट्स में, बताओ किसका वेट करता हूँ मैं, जो मेरी क्रश थी उसका वेट करता था मैं कि वो यहाँ से कब जाएगी, मैं कब देखूंगा। बिल बढ़ाया तुमने उसका? किसका? चाउमीन वाले का। अपन का प्यार था, यही सब चीजें होती है। मैं तो गेट भी टाप गया था एक बार स्कूल का, क्लास फोर्थ में। फोर्थ हाँ जी,
फोर्थ में ना खुद का लव लेटर देने के लिए स्कूल डाल गया था। खुद का बच्चा ऐसा कर रहा है ना फोर्थ क्लास में, पता पता चलेगा तुम्हें। और फोर्थ क्लास में ही दीदी को भी बुला लिया था एक बार टीचर ने कि आ जाओ जरा, आयुष ने लव लेटर लिखा है। मैंने लव लेटर लिख दिया था यार, एक मेरी क्लास में लड़की थी, नाम नहीं बताऊंगा उसको, हमें जानना भी नहीं, उसको लव लेटर लिख दिया था मैंने। बताओ सोचो उस उम्र में ना बचपन से आशिक रहे हैं हम। मुझे लग रही है भूख, मैं तो सोच रही थी यार वहाँ डिस्पेंसरी वाले की टिक्की खा लेते। डिस्पेंसरी वाले की गोलगप्पे जिसके पापा लाते। तो जब पार्किंग में बैठने लगे थे उससे पहले नहीं बोला तुमने मुझसे? मैं तो, मुझे पीछे लगा था, तुम पीछे लोगे, मुझे थोड़ी पता था यहाँ लोगे गाड़ी। तो वहाँ पे पार्किंग में फिर कहाँ लूंगा, पार्किंग में लगी हुई थी, वहीं चले जाते, वहीं से वहीं चले जाते खाने। घर में बहुत कुछ होता है खाने पीने, वहीं से सब्जियां वगैरह भी ले लेते। चलो उधर चलते हैं। अब नहीं चल रहा था, पागल हो गए? जाम में जाऊंगा दोबारा से। कौन सा जाम? ये जो जाम लगा हुआ था। जाम नहीं है, ये क्या है? ये रेड लाइट है, अभी उधर ही चल रहा सीधा। ये वो शॉप स्कूल टाइम की, यहीं बैठ के देखता था मैं अपनी क्रश को, यहाँ से जाती थी पैदल ही, और मैं यहाँ बैठा रहता था। अब देखो यहाँ बीबी बैठी हुई, मैं दूर से दिखाता हूँ बैठी हुई कहाँ है। किसी की दुकान बंद करा के वहाँ बैठी हुई आ गए। अच्छा इन्हीं की है तो नहीं, चौहान फैमिली। हाँ ये देखो कबाब, चौमिन, मोमोज। डॉक्टर ने बोला था पौष्टिक खाना खाना, तो हम अपनी पौष्टिक ले रहे हैं। ठीक है, आयुष लेकर आया है बंटिकी बहुत देर बाद। बहुत भीड़ है भाई। ओहो, हमने चौमिन नहीं खाई थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो टेस्टलेस थी। अब खाएंगे हम बंटिकी। अच्छा वाला सुंदर वाला बन उठा रही तो। मुझे क्या पता, मैं तो कैमरे में देख रही थी। ऐसे होता दोस्तों, यहाँ इन बंटिकी वाले अंकल के पास जाम लग जाता, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, जड़ तक गाड़ियां खड़ी हैं बंटिक्की खाने के लिए, इतनी फेमस है। मजा आ गया बड़ा। ये देखो घर तक का सफर नहीं हुआ, टिक्की यहीं खोल ली, बताओ चटनी भी डाल ली, मजा आ रहा है? चटपटी हो रही ना, खाओ फिर मस्त। तो दोस्तों हम आ गए थे घर टिक्की खा के, और अब हमने चेंज वेंज कर लिया है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि मैं थक गई थी, और अभी मैं कर रही हूँ टाइम पास। ये है वन डीप क्लींजिंग नो स्ट्रिप ब्लैक। ओए बदतमीजी, नहीं चाहिए मुझे ये, मेरे मत लगाना है तुम। ये आयुष के यूज करेंगे हम, ये टाइम पास कराना है तुमने। और ये ना मैं इसके लिए लाई थी क्योंकि इसके ब्लैक हेड्स है, मेरे तो नहीं है, तो मैं इसके यूज करेंगे और देखते हैं कैसा लगता है और क्या रिजल्ट निकलता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये इसका कवर, और ये है अंदर से स्ट्रिप निकली है, वो भयंकर बहुत बढ़िया। तो और ये नोज पे ऐसे रखनी होती है बस। हाँ तो ये जब निकलेगी फिर मेरी भी निकलेगी। अब मुझे देखना है कहाँ से लगानी है। तो ये मैंने पानी गर्म किया है, गीला 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 ही होता, पानी सूखा नहीं होता, गीला गीला। और ये अप्लाई कर, देखते कि क्या बोल दिया मैंने, अप्लाई करना है नाक पे, और फिर ये जो स्ट्रिप है शाइन वाली, मेरा जो पूरा फ्लैश ऑन करके दिखा, ये शाइन वाली जो चीज है ना, हाँ ये नाक पे ऐसे करके लगानी है उल्टा। चलो लगाओ। अब ऊपर भी लगाओ इसमें गरम, नहीं इसमें लिखा हुआ नहीं कुछ। अब इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है, फिर धीरे धीरे निकालनी है, और अगर स्किन भी निकल रही होगी साथ साथ तो तुरंत डॉक्टर के पास भागना है। ठीक है ठीक है, चलो दोस्तों 10 मिनट बाद मिलते हैं। लोग एडिट हो चुके हैं। कैसे निकालना? एजेस से सेंटर की तरफ धीरे धीरे, वैक्स की तरह मत निकाल देना, पर खच्चा उड़ जाएंगे नाक। ओई धीरे 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 धीरे, दोबारा लगा, वेस्ट हो गई, दोबारा लगा दे। दोबारा लगा दो, मेरी नाक बड़ी है ना। ये देखो गाइस, ये दो ठीक ऐसे के दिखा रहे लोगों को। तो क्या हुआ? ओए वो तो बहुत सारे हैं। वाह नाइस, ठीक है भाई हम बाहर काम करते हैं, घर पे नहीं बैठे रहते। मजदूर थोड़ी हो तुम। तो मजदूर क्या, घर पे डस्ट कितनी होती है, बाहर घूमना पड़ता है, कई चीजें होती है, परचेजिंग करनी होती है, मार्केट जाना पड़ता है। पागल हो गए? दोबारा थोड़ी ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि यूं कर गई हूं, ये इतनी देर ऐसे ही होगा। गोरी हो गई क्या मेरी नाक? चलो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। कार्तिक का पी दूध अपना, और स्मोकी भी रेस्ट कर रही है, भी सोते हैं थोड़ी देर में। मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज मिस्टर एंड मिसेस टंडन, गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो। गुड नाइट।